हाय वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जानने वाले हैं द रिएक्शन, मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, मेरा क्या रिएक्शन था जब मेरा क्लैट में सिलेक्शन हुआ था। और आई एम प्रेटी श्योर ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है आपको, अब मोटिवेशन आपका अप कर देगा जब आप पता चलेगा कि मेरा रिएक्शन कैसा था, मेरी फैमिली का रिएक्शन क्या था, तब क्या सिचुएशन थी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग इन द ईयर 2018 मैंने पूरा प्रिपेयर करा, और 2019 में हमारा एग्ज़ाम हुआ। तो 2019 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ, इट वॉज आई थिंक इन द मे में एग्ज़ाम हुआ था, डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट। और एग्ज़ाम होने के एक डेढ़ महीने बाद क्लैट का रिजल्ट आया। तो क्लैट का जो रिजल्ट आया मेरे हिसाब से जून, जो क्लैट का एग्ज़ाम था उसके बाद क्लैट के रिजल्ट आने तक, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस वाला पीरियड था, क्योंकि हम लोग अपने अपने क्लैट स्कोर पूछ रहे थे, भाई ईशान भाई तुम्हारा क्या स्कोर है, हार्दिक तुम्हारा क्या स्कोर है, अपने क्लैट पॉसिबल, अपने सारी कोचिंग के जितने फ्रेंड्स थे सबसे उनका उनका स्कोर पूछ रहे थे, सारे टॉपर्स से उनका स्कोर पूछ रहे थे, भाई तुम्हारा क्या स्कोर है, और डिस्कस कर रहे थे। सो अचानक से फिर चलो नोटिफिकेशन आ गई, आज एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। फिर शायद उस दिन नहीं आया था, फिर नेक्स्ट डे रिजल्ट आने वाला था इन द ईयर 2019। मैं अपने लखनऊ पे घर पे था। तो जो क्लैट का एग्जाम था और क्लैट के रिजल्ट आने तक फुल मौज का पीरियड होता है, आप टहलो घूमो खाओ पियो। मैंने तो सारे सीआईडी के एपिसोड खत्म करे थे, सीआईडी तब अच्छा लगता था, तो मैंने सीआईडी के सारे एपिसोड खत्म करे, सारी वेब सीरीज देखने की कोशिश करी, मम्मी के साथ बैठ कर सबको देखा, कुछ काम ही नहीं था क्योंकि इतने साल मेहनत करी, दो साल पूरी मेहनत करी थी, अब टाइम मिला था कि अब फुल इंजॉयमेंट करना है। तो दैट वॉज द पीरियड। तो मेरी टीचर इन कोचिंग ऑलवेज सेड कि जो है वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, मतलब कि वर्क हार्ड करो बट पार्टी उससे भी खतरनाक होगी। तो सेम लॉजिक दैट आई फॉलोड, बट तो पार्टी वार्टी का सिस्टम चल रहा था, चलो देखेंगे क्या होगा कैसे होगा, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए था, मेरा स्कोर ठीक ठाक आ रहा था, बस समझ नहीं आ रहा था बट क्या होगा कैसे होगा। सो मैं लखनऊ वाले घर पर था, मैं घर पर बैठा था और अचानक से मुझे पता चला दोस्तों का, भाई देखो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, सब अपने में डालने लगे, भाई मेरे को ये मिला, मेरे को ये मिला। और ये समझिए क्लैट का जो 2019 एग्ज़ाम था उसमें यही हुआ था कि उस एग्ज़ाम में जो है बड़ा एम्बिग्यूटी थी, भाई क्या मिलने वाला है, बिकॉज स्कोर तो आसमान छू रहे थे, मतलब किसी का स्कोर 170 जा रहा है, 200 का एग्ज़ाम लास्ट एग्ज़ाम था वो 200 वाला, तो किसी का 170 180 189 ऐसे ऐसे स्कोर जा रहा है, अंदाज़ा लग रहा था अरे बाप रे अब हम लोग कहाँ जाएंगे, मेरा भी वही 151 के आसपास स्कोर था, मैंने अब क्या होगा कैसे होगा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतना एम्बिग्यूस था, इतना एम्बिग्यूटी थी, इतना कन्फ्यूजन था कि अब कहाँ जाएँ क्या होगा, अब रिजल्ट आने पर होगा, वरना टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो रिजल्ट जब आया तो हम लोग लखनऊ घर पे थे और मम्मी भी साथ में ही थी हमारे, सो हम लोग बैठे थे तो मम्मी बैठी थी, अचानक रिजल्ट आया तो हम लोगों ने लैपटॉप खोला, मेरा लैपटॉप HP वाला था पुराना वाला जिससे हम लोग पढ़ते थे, हमने कहा चलो देख ही लेते, तो मैंने खोला रिजल्ट। हाय स्टूडेंट्स, सो आई हैव अ रियली गुड ऑफर फॉर यू, ओलिव बोर्ड आपके लिए ला रहा है क्लैट 2022 के लिए फ्री मॉक टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करेंगे और इस वजह से आपको ऑलमोस्ट ऑल इंडिया रैंक का जो है आइडिया लग जाएगा कि आप किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं इन द ऑल इंडिया लेवल। एंड आई हैव अ रियली गुड थिंग टू टेल यू, 2 in every 5 ओलिव बोर्ड स्टूडेंट्स हैव क्रैक क्लैट एवरी ईयर। तो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, क्लैट मॉक टेस्ट दे सकते हैं आप 2022 वाला, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, यू हैव टू जस्ट गो एंड क्लिक द लिंक। डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करने के बाद उस पर साइनअप करिए, अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और पासवर्ड सेट करके आप इजीली पहला मॉक टेस्ट एकदम फ्री ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं इन द क्लैट इंटरफेस। आप दे सकते हैं क्लैट का मॉक टेस्ट, 40 मॉक टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ है, अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगता है तो आप और मॉक टेस्ट सीरीज़ को भी परचेज कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट गो क्लिक इन द डिस्क्रिप्शन, साइन अप एंड अटेम्प्ट दी मॉक, अपने अच्छे से मॉक को अटेम्प्ट करिए, साथ में एनालिसिस भी पाइए। थैंक यू। वो मैंने खोला रिजल्ट, वेबसाइट खोली, वेबसाइट पहली बार तो 2 बार हैंग मारी, वो तो भाई जानते रहता है इतना ज़्यादा इनके सर्वर पर आ जाता है लोड कि वो कर ही नहीं पाते। तो फिर कुछ दिन बाद फिर हमने लॉगिंग करा और रिजल्ट आया, यू नो रिजल्ट आया, मैंने ऐसे थोड़ा हाइड कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं देख पाऊंगा, वो मेरे दिल में हिम्मत नहीं थी, इतने साल मेहनत करी, पहले साल मैंने करा नहीं हुआ, इस साल अगेन मैं मेहनत करने जा रहा हूँ, क्या होगा मैं समझ नहीं आ रहा था। मैं देख रहा था, मैंने कहा देखूँ कि ना देखूँ, ऐसे हाथ लगा दिया, मम्मी भी बोल रही थी क्या करने वाले क्या होना है, देखो मुझे पता नहीं था कुछ। एंड यू नो मैंने ऐसे हाथ हटाया, पहला जो मैंने नीचे से हाथ हटाया तो नीचे लिखा था राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, तो मेरा पहला अलॉटमेंट ही वही हुआ था आर्मेन एनल्यू। तो मैंने कहा अरे, मैंने कहा ये कैसे, फिर ऊपर गया, फिर मैंने रैंक वो हो, फिर मेरे 579 रैंक आई थी। सो पहली बात तो मुझे वो हुआ कि सडन शॉक हुआ था कि मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज इतना हाई फाई बन गया था कि मुझे लगा था
यार एनी जो है पक्का एनएलयू बैंगलोर था, इस लेवल तक चला गया था क्योंकि इतना हाई स्कोर चला गया था कि कुछ पता नहीं चल रहा था। मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था टॉप थ्री मिल जाएगा, ऐसे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एनएलयू में होना ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात थी, बहुत बड़ी सरप्राइज की बात थी। बट एक सडन वो बात थी कि सोच रहे थे भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, यहाँ कैसे कैसे कैसे। तो मैंने देखा 579 रैंक थी मेरी, तो मैंने कहा अपग्रेड करके मुझे तो अच्छे कॉलेजेस तो मिल ही आएंगे, बट चलो आर एम एनएलयू तो मिल रहा है बढ़िया कॉलेज। फिर मैंने जब देखा अपना समझा तो मम्मी भी बहुत खुश हुई। मम्मी ने बोला, मम्मी की आँख में भी थोड़ा सांसू आ गया कि भाई फाइनली वी डिड इट, फाइनली हम लोग का हो गया क्लैट में। बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत लगातार सालों से 24 घंटा लगातार लगे ही थे और किसी काम में नहीं थे। तो फिर हम लोग का क्लैट में सिलेक्शन हो गया। तो जब क्लैट में हो गया, आर्मी एनएलयू में सिलेक्शन हो गया, तो आर्मी एनएलयू में इसके होने के बाद हम लोगों ने कहा, जब सब कोई हैप्पी था, मैं था, मम्मी, दो ही लोग थे, ज़्यादा लोग घर पर नहीं थे, पापा बाहर थे, भाई भी नहीं था, तो हम लोग दो ही लोग थे। मैंने फाइनली डिसाइडेड चलो कुछ खाने पीने चलते हैं। तो बगल में एक आर्यन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोग गए, खाए पिए और फिर आगे की फिर प्लानिंग होने लगी कि अब क्या करना है, बिकॉज अब स्मार्ट वे स्टार्ट हो रहा था। बिकॉज ये ध्यान रखिएगा, जो क्लैट का एग्ज़ाम होता है, जब आपका सब कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको वेकेंट सीट और अपग्रेडेशन सबको भी ध्यान देना। फिर मैंने कहा लॉक कर दिया, बट मेरे लिए आर्मी एनएलयू ही अच्छा था, आप अपग्रेड करेंगे वैकेंट सीट पर भी जाएंगे, बट ऐसे वर्क कर रहा था। सो दैट वॉज अ डे जो बहुत ही दिल में खुशी की बात थी, बिकॉज आप समझ पा रहे हैं कि समवन ऐसा स्टूडेंट जिसको जीवन में कोई भी सक्सेस नहीं मिली, ऐसा स्टूडेंट जिसको जीवन में कुछ नहीं हुआ है आज तक, नोबडी ट्रस्टेड हिम, किसी को विश्वास नहीं था कि क्लैट को निकालूंगा, किसी कोई भी विश्वास नहीं था ज़रा सा भी कि मैं कुछ होगा। फैमिली को विश्वास था बिकॉज फैमिली मेरी मेहनत देख रही थी, बिकॉज फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा क्लैट में नहीं हुआ था, बट मैंने मेहनत बहुत करी थी, मैंने अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत करी थी फर्स्ट टाइम भी। सो यू नो आई वर्क अ लिटिल हार्ड, बहुत हार्ड साइड मैंने मेहनत करी थी, आप लोग भी कर रहे हैं नो, तो थोड़ा सा उस मेहनत को बढ़ा ही रखिए आप लोग। या समझ रहे हैं ना कि वो खुशी जो पेरेंट्स की आंखों में खुशी, जो समाज में खुशी दैट यू सी, और उसके बाद इतने अच्छे कॉलेज में जाने के लिए वो हैप्पीनेस, वो बहुत ही अमेजिंग होती है। दैट वॉज अ डे, फिर वो फीलिंग आई कि वाओ। सो इफ आई वॉज एवर आस्क कि आपका जिंदगी का जीवन का पहला सबसे खुशी मोमेंट कौन सा था, तो मैं, मुझे जो याद है उसमें मैं सबसे पहले तो क्लैट का रिजल्ट ही बोलूँगा, बिकॉज दैट वॉज वन ऑफ द इंसिडेंट। बिकॉज उससे पहले कोई खास चेंज मेरी लाइफ में नहीं हुआ था, नथिंग अ बिग चेंज हैपेंड इन माई लाइफ, तो वो बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन था इन माई लाइफ कि आई वॉज फ्रॉम नो वन टू समवन, मेरे को कोई नहीं जानता था, मेरे को बहुत लोग जानने लगे थे, जाने इन द सेंस कि लोग जानने लगे थे भाई क्लैट निकाला, एलियन निकाला, और साथ ही बहुत लोगों ने वो नहीं भी निकाला था। सो मेरे पापा के बहुत सारे ऑफिसर्स लोग थे इन द डिपार्टमेंट, तो उनके भी कुछ रिश्तेदार लोग थे, लोगों ने एग्ज़ाम दिया था क्लैट का, उनका भी नहीं हुआ था, और कई तरफ मम्मी के लोगों तरफ में भी कुछ लोगों ने दिया था, ही वॉज MLA जो बाराबंकी में ही MLA थे, उनकी लड़की ने भी दिया था, उनका भी क्लैट में नहीं हुआ था। सो एक ठीक है, चलो और लोग का नहीं हुआ था ठीक है, बट मेरा हो गया, मेरे को वो लगा क्योंकि वो एग्ज़ाम बड़ा रिस्की एग्ज़ाम था, बिकॉज एग्ज़ाम मेरे 7-8 नंबर का मिस्टेक हो गया था, उसके वजह से क्या हुआ था कि मेरा स्कोर बहुत डाउन हो गया था, मैंने क्वेश्चन की लाइनिंग चीज बदल दी थी, वो पहला ऑफलाइन एग्जाम था, ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, तो मैंने OMR ही गड़बड़ बदल दी, 8 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही गड़बड़ हो गए थे, तो उस हिसाब से मेरे सब स्कोर गड़बड़ हो गया, तो शायद मेरा स्कोर थोड़ा और ज़्यादा होता तो मुझे कोई और कॉलेज मिलता। बट दैट वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई डिड, बट चलो कोई नहीं, फिर मैंने सोचा भाई कुछ तो मिला, कुछ तो हैप्पीनेस हुई, कुछ नहीं मिल रहा था लास्ट ईयर में जब 12th में एग्जाम दिया था क्लैट का, मेरे को कुछ नहीं मिला था, ये समझ लीजिए मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक करी थी कि चलो क्लैट में तो मेरा हुआ ही नहीं था, बट मैंने कोई बैकअप ऑप्शन भी नहीं पढ़े थे, मैंने कोई बैकअप के फॉर्म भी नहीं भरे थे, उसके मैंने इतना ब्लंडर करा मैंने लाइफ में कि पूछो ना, उस वाले में मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं अगर ड्रॉप नहीं करता मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था क्लास 12th में। तो मैं तो ये बोलूँगा आप लोग हमेशा भी इसको ध्यान रखिए, स्ट्रैटेजिकली वर्क करिए, इसलिए मैं बार बार ध्यान देता हूँ कि मैंने गलतियाँ करी आप ना करिए, सारे फॉर्म भरिए, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम फॉर्म भरिए, ये मत सोचिए भाई टॉप 3 NLU ये वो, टॉप ही NLU चाहिए, NLU ही चाहिए, जब भाई एग्जाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि वही NLU में घुसना ही इतना टफ है, आप जिस NLU में भी जा रहे हैं टफ बहुत है, ये तो एग्जाम के पहले हम लोग बड़ा फील होता है कि भाई ये NLU ही जाएंगे इसका नहीं लेंगे, वो मिलता ही नहीं है, वो मिलेगा ही नहीं आपको, जब एग्जाम दोगे पता चलेगा, अंटिल यू आर वर्किंग रियली हार्ड तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, और वहाँ पे एग्जाम टाइम पे बेस्ट आप माइंडसेट में रहें, बेस्ट सिचुएशन में रहें और बेस्ट तरह से वर्क करें। सो दैट वाज अ रियली गुड फीलिंग, मेरे पापा मेरे बहुत खुश थे, मेरा भाई मेरा खुश था, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने अपने भाई से बोला था मेरा HP NLU हो जाएगा इन क्लास 12th, बट वो भी नहीं हुआ था, सो उसको भी लगा भाई वेरी गुड यू फाइनली क्लियर द क्लैट एग्जाम, पापा भी खुश थे, सब कोई खुश था। सो वो एक पॉजिटिव माहौल होता है, जब ऐसा होता है तो आप घर पर भी अगर ऐसा होगा तो वो पॉजिटिविटी घर पर आएगी, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग।
सो दिस इज ऑल दैट आई वांट टू से, ये फैमिली रिएक्शन था, ये परिवार का भी बहुत ऐसे ही खुश वाला माइंडसेट था, खुशी थी, पॉजिटिविटी थी. सो आई होप दैट वाज अ रियली मोटिवेशन फॉर यू. आपको अच्छा लगा होगा कि जान के कि खुशी बहुत होगी, पॉजिटिविटी बहुत आएगी, तो आपको भी उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, लगना होगा अभी से. इफ यू लव दिस वीडियो डू गिव इट अ लाइक, चैनल को शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे कि ब्रो ऐसा ही होने वाला है, लेट्स वर्क हार्ड. एंड दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ.